जब आप घर से बाहर जाते हैं तब आपको कोई देख रहा है, कोई आपका पीछा करता है, आप कहीं भी हों वह आपको देखता ही रहता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ आपको इंटरनेट और मूवीज़ में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन आज हम आपको स्लेंडरमैन के बारे में बताने जा रहे हैं। कई लोगों ने स्लेंडरमैन को देखने का दावा किया है। स्लेंडरमैन देखने में किसी सूखे पेड़ की तरह दिखाई देता है, दुबला पतला सा, जिसका चेहरा फ्लैट होता है, जिसके चेहरे पर आँख मुँह नाक नहीं होते हैं। वो अक्सर काले कोट में दिखाई देता है। माना जाता है कि स्लेंडरमैन आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और आपसे कुछ भी करवा सकता है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। स्लेंडरमैन एक पौराणिक जीव है जिसका जिक्र इतिहास में भी किया गया है। स्लेंडरमैन का नाम बार बार सामने आता रहता है, लेकिन 2014 में दो बहनें जो अभी बच्ची ही थीं, उन्होंने अपने एक दोस्त को जंगल में ले जाकर कई बार चाकू से उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की जिंदा बची क्योंकि वो दोनों कोई प्रोफेशनल किलर नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि स्लेंडरमैन ने उनसे ये सब करने को कहा था। उन लड़कियों को जेल नहीं भेजा गया क्योंकि वो भी नाबालिग थी, इसलिए उन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया गया। इसके बारे में कई आर्टिकल भी पब्लिश हुए। स्लेंडरमैन के बारे में इतिहास में कई गुफाओं में उसकी आकृति बनी हुई है और इंटरनेट पर कई फोटोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि ज़्यादातर फेक हैं। स्लेंडरमैन के द्वारा कई बच्चों को गायब होने की खबर आती रहती है। 2014 के बाद से स्लेंडरमैन को किसी ने नहीं देखा, तो क्या स्लेंडरमैन हमारी दुनिया से चला गया? क्या सच में स्लेंडरमैन होता है या बस यह हमारी कल्पना है? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। शहद प्रकृति की बहुत ही सुंदर और मीठी देन है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है दादी भनी, जो सीधा मधुमक्खियों के छत्तों से निकलकर आपकी चम्मच तक पहुँचता है बिना किसी मेडिकल प्रोसेस या मिलावट के। यह आपको कच्चे शहद की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है। आप इस पर भरोसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि यह देश के बाहर भी जाता है और इसको जर्मन की लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जा चुका है।